हेलो दोस्तों, कैसे आप सब दोस्तों। सबसे पहले तो मैं आज आपको बता दूं कि आज इतनी गर्मी है कि मेरे भी आप देख सकते हो पसीने छूट रहे हैं, क्योंकि मेरे दोस्तों जो मेरे रूम का एसी है वो भी काम नहीं कर रहा है। कूलर है जिसकी आपको हल्की हल्की आवाज आ रही होगी वीडियो में, वो थोड़ा डिस्टर्ब करेगी, क्योंकि दोस्तों मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था, वीडियो बनानी भी जरूरी थी। तो दोस्तों आज की जो वीडियो होने वाली है वो होने वाली है सुमो आई, सिम्फनी सुमो आई 45 लीटर और सुमो आई 70 लीटर, ये दोनों में आता है। ये रिमोट वर्जन है, तो हम इसकी मोटर की करेंगे अनबॉक्सिंग और जानेंगे इसके फीचर, कैपेसिटर, आरपीएम और दोस्तों वॉट्स और पावर के बारे में। और दोस्तों दूसरी बात एक और है कि मेरे को एक कमेंट आया था कि सुमो में दो टाइप की मोटर आती हैं। बिल्कुल दोस्तों, सुमो में दो टाइप की मोटर आती है। ये जो हमारे पास है ये टॉप मॉडल है। इसकी टॉप मॉडल की दोस्तों पहचान ये होती है कि ये 8mm शाफ्ट के संग आती है, और जो पुराना मॉडल आता है वो दोस्तों होती है 12.7mm शाफ्ट के साथ। तो ये टॉप मॉडल है, इसको हम देखेंगे, जानेंगे इसके फीचर। चलिए दोस्तों हम चलते हैं सुमो मोटर की तरफ। तो दोस्तों ये है वो बॉक्स। वैसे हर बार की तरह दो की पैकिंग है, इसलिए बाहर कोई स्टिकर नहीं है, आपको यहां पे मिल जाएगा। ये देखिए मैंने लिख रखा है इसके बारे में सुमो। तो सबसे पहले हम करेंगे इसके अनबॉक्सिंग। तो हम ले लेते हैं नाइस। दोस्तों रियली आज 41 डिग्री टेम्परेचर है, आप ये देख सकते हो मेरे हाथ में भी कितने पसीने आ रहे हैं, क्योंकि जो मेरा एसी लगा हुआ है दोस्तों वो वर्क नहीं कर रहा है, उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई है। तो कल मैं इसको खोलूंगा, चेक करूंगा, अगर मेरे से हुआ तो मैं करूंगा, नहीं तो मेरे को भी किसी टेक्नीशियन को बुलाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। अच्छा दोस्तों एक बात है, सिम्फनी के जितने भी मैंने अभी तक जितनी भी अनबॉक्सिंग या कोई भी चीज है मैं बॉक्स खोलता हूं, तो मेरे को उनकी पैकिंग बहुत अच्छी लगती है। जो ये पैक करते हैं जिस तरीके का, ये कार्टन बॉक्स आप देख रहे हो, ये इतना हैवी है कि इसके अंदर मोटर भी 2.5 किलो की है, तो इसके अंदर 5 किलो तक की मोटर आ जाती है दोस्तों। जैसा कि हमारी स्ट्रॉन्ग की मोटर है वो दोस्तों 3-3.5 किलो से ऊपर की होती है, मैं उस वजह से मैंने आपको ये बताया। तो दोस्तों ये है मेरे पास सुमो की मोटर, इसको मैं कर लेता हूं पन्नी से बाहर। ये दोस्तों पीछे आप देख रहे हो, ये इसका एमएमएस के अंदर मेन मोटर माउंटिंग स्टैंड ये पीछे लगा हुआ है। और बात कर लेते हैं हम अब इसके फीचर की। तो जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले आप ये देख लीजिए 230 वोल्ट सीरियल नंबर है। सीरियल नंबर मैं आपको बता देता हूं एक बार, आप यहाँ पे ध्यान रखना 1446171003573, ये दोस्तों उसका सीरियल नंबर है। उसके बाद ये आपको मिल जाता है ब्रांड सिम्फनी हमारा हर बार की तरह। मॉडल है दोस्तों सुमो, और एक चीज और, सुमो प्लस सुमो आई। जो सुमो मैनुअल होता है जो रोटरी स्विचेस के साथ होता है उसमें, और दोस्तों सुमो आई में मोटर जो होती है वो कॉमन ही होती है, वो यही मोटर लगती है। अच्छा अब इसकी 230 वॉट्स है, 50 HGH है, सिंगल फेज की मोटर है। और एचपी की बात करें तो 1/12 इसकी एचपी है, और बाकी दोस्तों हम इसके एम्पेयर की बात करें तो 0.75 का इसका एम्पेयर है, 0.75 ये आप देख सकते हो। और बात कर लेते हैं इसके आरपीएम की, तो दोस्तों ये 1400 RPM है। ओपी वॉट्स की बात करेंगे हम तो 63 का इसका ओपी वॉट्स है। और बात कर लेते हैं इसके कैपेसिटर की, तो दोस्तों इसमें भी डाइट वाला सेम 4 MFD का कैपेसिटर लगता है। और बाकी इसमें दोस्तों इंस्ट्रक्शन बने हुए, ब्लू वायर न्यूट्रल, ब्लैक वायर हाई, रेड वायर लो, व्हाइट वायर मीडियम। तो चलिए अभी मैं इसका कैपेसिटर भी चेक कर लेता हूं। जी हाँ दोस्तों बिल्कुल 4 MFD कैपेसिटर है, ये आपको मैं पास से दिखा देता हूं, ये आप देख सकते हैं ये 4 MFD कैपेसिटर आपको मिल जाता है मोटर के अंदर। तो चलिए अब हम एक बार ही कर लेते हैं इसका स्पीड टेस्ट कि 1400 RPM में ये डाइट के मुकाबले रहती है या उससे कम है या उससे ज्यादा है। तो इसके लिए मुझे दो वायर लेनी है। मैं दोस्तों 1400 RPM हाई स्पीड पे चेक करूंगा ब्लैक वायर के संग और ये न्यूट्रल के साथ।
एक छील लेता हूँ थोड़ा सा। तो ये दोस्तों मैंने ये खोल लिए यहां से, ये छील लिए। तो अब हम इसको तो दोस्तों ये इसका आप देख सकते हो, ये इसका आरपीएम है। ये देखिए, ये मैंने मोटर की निकाली, साउंड बिल्कुल भी नहीं है। अभी मैं आपको एक बार इसको फिर से स्पीड दिखाता हूं, आप देखिएगा क्या पिकअप है मोटर का। ये देखिए मेरा हाथ भी एकदम वाइब्रेट झटके से हिल जाता है, ये देखिए। तो ये दोस्तों इसका पिकअप है, मोटर बिल्कुल भी साउंड नहीं है हर बार की तरह। इसमें भी दोस्तों आपको बैरिंग नहीं, बुश मिलता है। आप देखिए एक बार फिर से एक पिकअप, मेरा हाथ की मूवमेंट आप देखिए, एकदम से बिल्कुल मेरा हाथ एकदम से मूव कर जाएगा। ये देखिए, देख सकते हैं आप। तो दोस्तों आरपीएम के हिसाब से ये आप देख रहे हो, उसकी मैंने तार निकाली है, अभी तक इसकी शाफ्ट घूम रही है। ये आप देख सकते हो शाफ्ट इसकी घूमे जा रही है। तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं इसकी प्राइस की। तो दोस्तों मेरे को तो ये 10% डिस्काउंट में मिली है, 2750 रुपीज, 2750 रुपए की मुझे मिली है। वैसे इसकी जो एक्सटेंड प्राइस है टॉप मॉडल की, वो है दोस्तों 2890 रुपए। अभी डिस्काउंट ऑफर चल रहा है तो 10% आपको भी मिल सकता है। जिस सर्विस सेंटर से मैं लेके आया, मैं हर बार की तरह मैं उसका एड्रेस इस डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और दोस्तों एक चीज और है, एक कमेंट आया था मेरे पास, मेरे पास असल में बहुत कमेंट आते हैं ये इस कुछ इस टाइप के, कि ये जो मोटर है हमारी, मेरे से कई बंदों ने बोला है कि जो डाइट की मोटर है वो सुमो में लग सकती है, और जो सुमो आई की मोटर है या सुमो की मोटर है वो डाइट में लग सकती है। दोस्तों लग तो बिल्कुल सकती है, लेकिन एक प्रॉब्लम होती है, वो प्रॉब्लम जो आपको नहीं पता। आप हर कोई कहता है कि साइज तो सर सेम है, तो मैं आपको ये बता दूं साइज सेम होने से कुछ नहीं होता है। अब आप ये देख रहे हैं, ये इसका जो शाफ्ट है, इसकी जो गैप है, ये आप देख सकते हैं ये दोस्तों कितना कम है। और डाइट की मोटर की जो शाफ्ट होती है वो इतनी बाहर होती है, यहां से एक इंची और एक्स्ट्रा होती है, क्योंकि उसमें लगता है दोस्तों ब्लोअर और इसमें लगता है फैन ब्लेड। हाँ, अगर पुराने वाला डाइट होता है मॉडल जिसके अंदर ब्लोअर की जो हाउसिंग, ब्लोअर की जो शेप होती है, उसमें दोस्तों पुराने वाले मॉडल में ये मोटर लग सकती है, और पुराने वाले मॉडल डाइट की मोटर इसमें लग सकती है। अच्छा, ये तो हुई कि इस ये मोटर डाइट में लग सकती है नहीं लग सकती है। दूसरी चीज, जो डाइट की मोटर होती है वो सुमो में लग सकती है। दोस्तों वो बिल्कुल लग सकती है, जैसे आपने देखा होगा डाइट की मोटर के पीछे एक कवर होता है, एक माउंट बना होता है प्लास्टिक का, क्लैंप जिसे बोलते हैं। जिस किसी ने नहीं देखा उसकी अनबॉक्सिंग मैंने वीडियो बनाई है, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां जाकर चेक कर सकते हैं, तो एक बार आप देख लीजिएगा। उसका भी साइज में, वेट में, कैपेसिटर में सेम है, आरपीएम भी उसका दोस्तों सेम है। और बात मैं जो बता रहा था, उसका जो शाफ्ट बड़ा है, क्योंकि उसमें दोस्तों प्रॉब्लम ये है, इसमें प्रॉब्लम ये आती है कि इसकी जो मोटर, ये जो हमारी ये सुमो की मोटर है, इसकी शाफ्ट जो है ये छोटे होने के कारण डाइट की मोटर में नहीं लग सकता। और दूसरा, डाइट मोटर जो है वो आप सुमो में भी लगा सकते हो, अगर विंटर आपके पास है, अगर 12.7 mm का विंटर का उसमें शाफ्ट लगी है, ब्लेड है, तो दोस्तों उसमें नहीं लगेगा। अगर विंटर आपका 8 mm में है तो दोस्तों उसमें लग जाएगा। तो ये है वो मोटर, और इसकी मैंने आपको प्राइस भी बता दी। और दोस्तों जैसे मैं बता रहा था आपको, डिस्क्रिप्शन में आप जाके चेक कर सकते हैं, वो जो डाइट की मोटर की जो मैं आपको बता रहा था उसकी वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी हो, अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो दोस्तों अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना, और जिस किसी ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। मिलते हैं दोस्तों जल्दी आपसे अगली वीडियो में। फिलहाल तो गर्मी है, मेरे पसीने छूट रहे हैं, मैं जानता हूं मैं कैसे बना रहा हूं वीडियो, तो आपका सपोर्ट चाहिए। कल एसी भी हमारा ठीक हो जाएगा।